पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें चीनी का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घरों में जो चीनी खाई जाती है वो आखिर बनाई किस तरीके से जाती है? किसान के खेतों से गन्ना लाकर उसके रस को बड़ी बड़ी मशीनों में, शुगर मिल में बहुत सारे प्रोसेस से निकाला जाता है, तब कहीं जाकर चीनी बनती है। तो अगर आपने कभी चीनी बनते हुए नहीं देखी है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें अयोध्या में केएम शुगर मिल्स पर, जो कि इस एरिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, तो चीनी बनाने के लिए सबसे पहले किसान अपने खेतों से गन्ना काट कर ट्रॉली में भर के मिल में लेकर आते हैं। जब मिल में गन्ना आ जाता है तो इसका वजन किया जाता है, और वजन करने के बाद ये जो आप बड़ी सी मशीन देख रहे हैं, इस मशीन की सहायता से ट्रॉली से गन्ना अनलोड किया जाता है। पहले ये काम मैनुअली किया जाता था तो इसमें बहुत टाइम लगता था, अब इस मशीन की सहायता से आप देखिए ढेर सारी पुली एक ही बार में निकाल दी जाएंगी, तो केवल 3 या 4 बार में पूरी ट्रॉली खाली कर दी जाती है। इस मशीन से गन्ना डाला जाता है कन्वेयर बेल्ट पर, जहां से गन्ना आगे जाता है कटिंग मशीन में, जहां गन्ना काटा जाता है और बहुत बारीक होकर वहां से गन्ना बाहर निकलता है। ये आप देख सकते हैं कटिंग मशीन है, जिससे कट होने के बाद गन्ना इस हालात में बाहर आ रहा है। यहां से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाएगा इसका रस निकालने के लिए। गन्ने का रस निकालने का जो प्रोसेस होता है वो शुगर मिल में भी वही होता है जो कि किसी स्ट्रीट साइड वेंडर के पास होता है। बस वहां पे साबुत गन्ना डाला जाता है, यहां पे कटा हुआ गन्ना डाला जाता है। तो जो कटा हुआ गन्ना है वो इन बड़े बड़े रोलर्स के बीच से जब निकलता है तो दबकर प्रेशर से उसका रस निकल जाता है। ये आप रस निकलता हुआ देख सकते हैं, जो रस निकला है उसमें कटा हुआ गन्ना फिर से मिक्स किया जाता है। इसको फिर यहाँ से आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसे फिर से बड़े बड़े रोलर्स के बीच में दबाया जाएगा, इसका फिर से रस निकाला जाएगा। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे 4 बार रिपीट किया जाता है, जब तक कि इस कटे हुए गन्ने में कोई रस नहीं रहता है, इसका सारा रस इसमें से निचोड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। जो गन्ने का रस अपना निकाला गया है वो वहां से आएगा इन कंटेनर्स के अंदर, जहां पे उसे स्टीम से ट्रीट किया जाएगा। स्टीम से ट्रीट करने के बाद उसमें सल्फर और लाइम मिक्स किया जाएगा। सल्फर और लाइम मिक्स करने के बाद उसे फिर से गर्म किया जाएगा स्टीम से। जब वो फिर से गर्म हो जाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा कुछ घंटे के लिए, जिससे कि गाद नीचे बैठ जाए और प्योर रस अपना ऊपर रह जाए। जो गन्ने का प्योर रस बचेगा उसे यहां से फिर आगे भेज दिया जाएगा इवेपोरेटर्स में, जहां पे उसका पानी सुखाया जाएगा। अभी यहां तक अपना गन्ने का रस है, इवेपोरेटर्स में जब सारा पानी इसका सूख जाएगा तो यहां पे गन्ने का सिरप बचेगा, जिसे आगे भेजा जाएगा चीनी बनाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गन्ने का सिरप है, जिसमें लाइम और सल्फर डाल के सारी गंदगी निकाल दी गई है। अब ये गन्ने का सिरप यहां से जाएगा इन बहुत बड़े कंटेनर्स के अंदर, जहां पे कोई 3 या 4 घंटे लगेंगे, और इसके अंदर दाना पड़ेगा। दाना किस चीज का? चीनी का दाना पड़ेगा। तो ये भैया चेक किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। कि चीनी के दाने पड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े दाने, छोटे दाने हैं चीनी का। अच्छा, छोटे दाने पड़ चुके हैं अपने पिछले। ये जो अभी चीनी के दाने तैयार हुए हैं वो वहां से देखिए बाहर आ रहे हैं। ये जो ब्राउन कलर का गाज जैसी चीज आपको नजर आ रही है, ये असलियत में चीनी है। इसमें आपको चीनी के क्रिस्टल्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये भी साफ चीनी नहीं है। इसे साफ करने के लिए देखिए यहाँ से इसे आगे ले जाया जाएगा, जहाँ पर 110 डिग्री टेम्परेचर की स्टीम से इसे ट्रीट किया जाएगा। गंदगी इसमें सब बाहर निकल जाएगी और अपनी बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के चीनी के क्रिस्टल्स बनके तैयार होंगे। जो चीनी अपनी तैयार हुई है वो देखिए अभी वहां से नीचे आ रही है मशीन में से, और ये चीनी यहाँ सब जाएगी आगे पैकेजिंग के लिए। जितनी भी चीनी तैयार हुई है देखिए उसके बड़े छोटे सभी कण यहाँ से कन्वेयर बेल्ट पर डाले जा रहे हैं, जहां से आगे जाएंगे अगली मशीन में, जिसमें चीनी के जितने भी बड़े कण हैं उन सभी को भी तोड़कर जो नॉर्मल साइज के कण हैं उनके बराबर बना दिया जाएगा। और अब अपनी इक्वल साइज की जो चीनी है वो यहां से आगे भेज दी जाएगी कट्टों में पैक करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं चीनी अपनी कट्टे के अंदर फिल की जा चुकी है ऑटोमेटिकली, और अब इस कट्टे को सिलाई करके बंद कर दिया जाएगा, जहां से इसे आगे भेज दिया जाएगा स्टोरेज के लिए। ये शुगर मिल का स्टोरेज एरिया है, जहां पर चीनी के कट्टों को स्टोर किया जाएगा और मार्केट के डिमांड के अनुसार फिर इन्हें बाहर सप्लाई किया जाएगा। तो गाइस ये था चीनी बनने का अपना पूरा प्रोसेस, जो कि हमने आपको मिल में दिखाया किस तरीके से चीनी बनती है। दिखने में लगता है सिंपल प्रोसेस होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा मैन पावर चाहिए, बहुत सारी मशीनरी चाहिए, और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हिम्मत है, मतलब मेरी तरफ से सैल्यूट है इन लोगों को। कैसे लोग काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे 5 घंटे रहे हैं, 5 घंटे के अंदर नाक में सारे में गन्ने का पाउडर घुस चुका है, आंखों में घुस चुका है, ऐसा लगता है गले में भी सारा गन्ने का पाउडर घुस चुका है, आपको नजर आ रहा है या नहीं, सारे में हल्का हल्का उड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये लोग यहाँ पे पूरे दिन काम करते हैं, तब कहीं जाकर अपनी चीनी तैयार होती है। तो आज चीनी बनता हुआ देख के चीनी बनाने वाले वर्कर्स के लिए मेरे दिल में इज्जत आ गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि सबको पता चल सके चीनी आखिर बनाई किस तरीके से जाती है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।